सबसे पहले हम टिप्स लेते हैं सुजू मैम से, जो कि अभी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हैं। बहुत जल्द इनका भी असिस्टेंट मैनेजर भी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये मैनेजर भी बन चुकी होंगी, ठीक है। तो हम इनसे टिप्स लेते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा इनरोलमेंट निकाल रही है। फिर उसके बाद एक और पर्सन से लेंगे, जिन्होंने अभी नया नया बिजनेस को स्टार्ट किया है, मतलब कल ही स्टार्ट किया है, बट अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम उनसे भी थोड़ा टिप्स लेंगे, ठीक है। तो आप दोनों रेडी हो टिप्स देने के लिए, ताकि सारे लोग सीख पाए कि आप लोग किस तरीके से इनरोलमेंट निकाल रहे हो? पक्का? चलो, तो मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस आ सबको रही आवाज आ रही है खुशबू मैम की? हेलो हेलो हेलो, एक बार बता दो, रेजेंड कर दो मुझे। है? यस, आ रही है आवाज। ग्रेट। चलो तो मैम, आप ऐसा भी बताओ, मतलब आपके पास अभी फिलहाल 5 मिनट है, ठीक है। आप अच्छे से बताओ कि अभी आप कितने पर डे कितने मतलब कॉलिंग्स कर रहे हो, और जितने भी कॉलिंग्स कर रहे हो उसके क्या बेनिफिट है, और जो भी हमारा टारगेट है क्या इससे अचीव हो सकता है नहीं हो सकता, और इनरोलमेंट आप किस तरीके से करा रहे हो, आप बताओ। सारे लोग ध्यान से सुन सर रहे हैं ना? इनरोलमेंट, ओके सर, सर इनरोलमेंट तो मोस्टली मैक्सिमम कॉलिंग तो करनी ही पड़ेगी। मैं जब तक से नहीं करी थी तो मेरा खुद भी नहीं निकला था। जब मैं फॉलो करी हूँ, आई थिंक मुझे लगता है 3 दिन हुए होंगे ये चीज फॉलो किए हुए, 50 कॉल्स इन अ डे। अगर वो चीज अगर कोई कर ले कोल्ड मार्केट में भी, तो बहुत अच्छे से इनरोलमेंट निकाल। मैं ये नहीं बोल रही कि रेगुलर बेसिस पे ही अच्छे निकलेंगे, कभी आपके 5 भी होंगे, 3 भी होंगे, 2 भी होंगे, किसी दिन नहीं भी होंगे, बट अगर वो चीज कंसिस्टेंसी बना के रखे तो हाँ इनरोलमेंट्स निकलते हैं। ये तो पहली है कि मैक्सिमम कॉलिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके अलावा मतलब कोई गुरु मंत्र नहीं, यू हैव टू डू इट। ये चीज हो गई। दूसरी आपके ना मैं क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम के ना लिंक मैं शेयर करती हूँ, जो अचीवर्स क्लब का है और जो स्पीकर है, जैसे अनमोल कपूर का हम लोग वीडियो भेजते हैं, तो उनका मैं प्रोफाइल भेजती हूँ, अपना भी भेजती हूँ। किसी पर्सन के माइंड में डाउट होता है ना फ्रॉड वगैरह का, तो वो वहां से तो आधा तो क्लियर हो जाता है, अगर जो एक्चुअल में करने वाला बंदा हो तो वो चीज हो जाएगी। एक फॉलोअप में मैं ना कुछ चीजें जैसे ऐड करती हूँ, तो मेरा इनरोलमेंट थोड़ा सा बहुत ज्यादा इफिशियंट हो जाता है, ओके, लॉजिकल लगता है। जैसे कि मैं मेरी वॉइस ठीक है ना सर? हाँ आ रही आ रही है। हाँ, तो मतलब थोड़े से बस कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करती हूँ, जो चीज मैं बोलती हूँ कि अगर मान के चलो आपका, जैसे मैं एग्जांपल, आपका खुद का ऐसा लेवल हो, जैसे मैं अभी कुछ बोली तो मैं बोली तो क्या सर वो लाइन ज्यादा बेटर अच्छे से मैं बता पाऊंगी अभी। हाँ बोल दो बोल दो। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली जब कॉल करती हूँ ना, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कुछ कुछ चीजें, कि आपने वीडियो पूरा देखा? तो बोलता है कि हाँ पूरा एंड तक देखा था ना। फिर मैं पूछती हूँ कि मास्टर क्लास के बारे में सुना आपने? फिर अगेन पूछती हूँ मास्टर क्लास में पार्ट बनने के लिए क्या करना होगा, उन्होंने बताया होगा तो आपने सुना था? तो बोलता है हाँ। तो फिर जो एक्साइटेड होता है वो तो खुद ही बोल देता है कि नहीं 198 रुपीज के बारे में उन्होंने बताया। नहीं भी होता तो मैं पूछ देती हूँ कि 198 रुपीज के बारे में कुछ सुना था आपने? बोलता है कि हाँ। पहले अमाउंट कितनी थी वो पता चला आपको? तो ये जब मैं पूछती हूँ तो फिर वो बता देता है। अगर कोई बता दे रहा है तो इट्स मीन्स वो वीडियो देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, ऐसे लोग भी आते हैं जो वीडियो नहीं देखते। तो ये क्वेश्चंस इसलिए मैं पूछती हूँ ताकि क्रॉस चेक कर सकूँ वीडियो देखा है या नहीं देखा। जब वो बता देता है कि हाँ मैम सुना था, तब फिर मैं बात करती हूँ। अब देखो, अभी जो प्लेटफॉर्म आप समझने जा रहे हो ना, आज से 2.5 से 3 साल पहले जो पर्सन है अनमोल कपूर, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म समझा था। अभी सीनियर मैनेजर पे लेवल पे है, मोर देन 5 to 6 लाख रुपीज मंथली बेसिस पे वो अर्न कर। अब मैं बताऊं, देखो बड़ी बात ये नहीं है ना कि वो बंदा सीनियर मैनेजर है या 5-6 लाख रुपए कमा रहा है। बड़ी बात ये है कि उन्होंने ना लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मदद करी है, कि महीने का वो 10-15 हजार पार्ट टाइम में कमा सके। अगर आपका इस लेवल पे ऑरा हो, आप इतने बड़े लेवल पे हो और आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जिसे आप किसी को सिखा दो, तो वो बंदा लाइफ टाइम तक पैसे कमा सकता है 10-15 हजार। तो क्या वो स्किल आप किसी को फ्री में सिखा दोगे? तो बोलता है, मोस्टली बोल देते हैं कि नहीं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अगर कोई बोल देता है कि हाँ मैं सिखा दूंगा, तो मैं उसमें एक काउंटर अटैक करती हूँ। वो काउंटर अटैक ये होता है कि अच्छा मान के चलो खुद का आपका कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, सारे बच्चे को फ्री में पढ़ाओगे आप?
उसका आंसर होता है नहीं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर मैं बोलती हूँ चलो किसी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए फीस कम कर दोगे क्या, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दोगे? बोलता है कि नहीं। तो देखो आपने ये देखा होगा ना, मास्टर क्लास की जो फीस थी वो 4999 थी, 4999 रुपए, बट अभी फीस 198 रुपीज करे गए। ये प्रॉफिट गेन के लिए नहीं है, ये बस फिल्टर आउट करने के लिए है कि कौन सीरियस वन है और कोई टाइम पास वाले है। क्योंकि यहाँ पे टाइम पास वाले लोग भी आते हैं, सीरियस वन वाले भी आते हैं। आप कौन से कैटेगरी वाले हो, टाइम पास वाले या सीरियस वन में हो? वो खुद बोल देता है कि नहीं सीरियस वन वाला हूँ मैम। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ जी, तो ये 198 रुपीज ऐसा अमाउंट रखा गया ना कि हर एक पर्सन अफोर्ड कर सके। ये 198 रुपीज पे करने में आपको कोई इश्यू तो नहीं है ना? मैं वहीं पे पूछ देती हूँ। बोल देता है मोस्टली कि नहीं मैम नहीं। तो फिर वो बोलती हूँ कि ठीक है, अभी देखो ये 198 रुपीज में मिलेगा क्या, थोड़ी सी बेनिफिट। मेरा 4-5 मिनट जाता है कॉल एनरोलमेंट वाली, तो मैं बोल देती हूँ कि आप ये 198 रुपीज में मिलेगा क्या। मैं बता देती हूँ पहले 4999 में मिलता था, अब 198 में मिल रहा है। आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी मिलेगा पुष्कर राज ठाकुर सर का, जो कि बाद में आप करोगे तो आपको चीज नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा हाइप बना देती हूँ पुष्कर राज ठाकुर सर का, तो पुष्कर सर का पहले हाइप बनाती हूँ, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बोल देती हूँ 30,000 का चल जाता है। फिर मैं बोल देती हूँ उन्हें कि देखो अब ये जो 198 रुपीज है हमेशा के लिए नहीं, मेरे पास पर्सनली 10 सीट्स थे, 8 फिल हो चुके हैं, सिर्फ 2 की जगह खाली है। आप बताओ, दो आप आ सकते हो तो मैं आपका सीट होल्ड करूंगी। आप अगर कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे पे करना चाहोगे, फोन पे गूगल पे पेटीएम ऑप्शन दे देती हूँ, या फिर डायरेक्टली अगेन मैं एक लाइन और ऐड कर देती हूँ, और अगर नहीं भी कर सकते क्लियर कट ऑन दी कॉल बता दो, मैं सीट किन्हीं और को दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं मेरे। तो वो बोल देता है कि हाँ मैम फोन पे कर दूंगा गूगल पे कर दूंगा। तो फिर बोलती हूँ ठीक है, आप कैसे पे करना चाहोगे, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँ या क्यूआर कोड सेंड करूँ? फिर जो भी बोलता है सेंड करके, फिर बोलते ठीक है विदिन 5 to 10 मिनट आप कर लो सीट, क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ ना, 3 कॉल वेटिंग पे जा चुके हैं। तो बोलती हूँ, तो बोलता है ठीक है, और अगर उसमें भी ना करे तो बाद में जो पेमेंट आता है ना ऊपर में, 5 मिनट देख ली, 2-3 मिनट वेट कर ली, नहीं भेजा ऊपर का, सिर्फ नंबर शो करते रहता है, मैं वो स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, बोलते आपने पे किया है क्या आपको क्वेश्चन। तो फिर वो देखता है कि नहीं ये नहीं, वो बोलता है कि यार मेरा सीट तो गया। मैं फिर बोलती हूँ कि वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, ये भी बोल देते कि हाँ हमें पे किए हैं, चलो ठीक है ट्रांजेक्शन आईडी मुझे मैच करना है, यूटीआर नंबर आप भेजो, और जो एक्चुअल में रहता है बोल देता है कि मैम नहीं किया हूँ। तो फिर मैं बोलती हूँ देखो अब एक सीट तो चली गई, अब एक बची है, आप कर रहे हो तो जल्दी बताओ, सीट फुल हो गई तो कुछ नहीं कर सकती, तो पे कर देते हैं मैम। ओके सो थैंक यू सो मच। काफी अच्छे मतलब आपने पॉइंट्स बताए, मजा आ गया। सारे लोगों ने नोट्स किया? चलो मैं एक बार थोड़ा सा ना, मैंने भी लिखा है, एक बार समराइज कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले इन्होंने बताया कि क्रॉस चेक करना है कि सामने वाले ने वीडियो देखा या नहीं देखा, 2-3 सवाल पूछ के। ठीक है, वो क्या क्या सवाल था? कि मास्टर क्लास के बारे में बताया गया था, वो आपने सुना था या नहीं सुना था, उसमें 198 उसमें 198 रुपीज के बारे में बताया गया था, वो आपने सुना था या नहीं सुना था। 2-3 सवाल करके क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के बाद उन्होंने बताया जो स्पीकर है ना, उनके बारे में बताना है, उनकी थोड़ा सा वैल्यू बनानी है कि वो कौन है। अनमोल कपूर सर, तो उन्होंने बताया कि आज वो 4-5 सालों से काम कर रहे हैं, सॉरी 4-5 साल नहीं, 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, खुद लाखों रुपए तो कमा रहे हैं, लेकिन आज वो हजारों लोगों की हेल्प भी कर चुके हैं, जो आज बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया ट्रस्ट दिलाने के लिए वो इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करते हैं, लाइक अनमोल कपूर सर का खुद का पॉसिबल हो, अगर आपने अच्छी प्रोफाइलिंग कर रखी है तो आप अपना भेजो, और अचीवर्स क्लब का पेज का भेजो, कोई दिक्कत नहीं है भेजने में, भेजो जितना। मैंने क्या बोला, ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको जो करना है करो, समझ रहे हो? हो सकता है कि मान लो आपने ये चीज नहीं किया जिसके वजह से उसने इनरोलमेंट नहीं किया, लेकिन अगर आपने ये सारा काम किया, लेकिन अगर वो बंदा ज्वाइन कर लिया, हो सकता है वो आपके लिए मैनेजर हो सकता है वो आपको मैनेजर बना दे, समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने साइड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गॉट इट? अपने साइड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो बताया गया उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं भी यूज करता हूँ कभी कभी, ठीक है, जब मुझे नीड लगता है, ऐसे तो मुझे नीड नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन मैं करता हूं, अगर सामने वाले डाउट करता है तो, है ना, वो आपको इस्तेमाल करना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग में कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचो जो सामने वाले को बता पाओ। ये मैम का खुद का अपना एग्जाम्पल है,
आप अपना खुद का एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी इस्तेमाल करो। और लास्ट उन्होंने बताया कि जो 198 वो पे कर रहा है उसके बारे में बताओ कि उसके बाद उसको मिलेगा क्या। तो तीन चार चीजें आप उन्हें बता दो। और एक चीज आप कर सकते हो कि 198 हम क्यों ले रहे हैं, और ये तभी बताओ जब सामने वाले का डाउट है। अगर सामने वाला पे करने के लिए रेडी है तो बताने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है फ्री में। कुछ लोग देखो ऐसे होते हैं, कुछ नहीं भी बताओगे तो भी इनरोलमेंट कर देगा हुआ ऐसा, कुछ नहीं भी ज्यादा बताओगे तो भी इनरोलमेंट कर देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे आप 10 मिनट ही बात कर लोगे ना तो भी नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ ऐसे लोग पैदा ही होते हैं जिनका माइंडसेट बढ़िया होता है और वो जल्दी कर लेते हैं। गॉट इट? तो ये सारे पॉइंट्स मैम ने बताया, इन सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करो, आप भी बढ़िया इनरोलमेंट निकाल सकते हो। डेली के दो इनरोलमेंट तो ही निकालनी है, इसको ना पत्थर का लकीर मान लो। अगर नहीं किया ना, अपने आप को पनिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई टीचर नहीं है जो आपको दो डंडा मारेगा या फिर आपको मुर्गा या मुर्गी बनाने वाला तो है नहीं, आप खुद से पनिश करना पड़ेगा यहाँ पे। गॉट इट? चलो, सो थैंक यू अगेन, आपने काफी अच्छे टिप्स बताए इनरोलमेंट के लिए। अब हम चलते हैं सेकेंड पोर्शन पे। अजय भैया आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आवाज आ रही भैया आपको? यस सर, थैंक यू। ओके सो भैया आप ये बताओ, अभी आपने कल ही परसों काम आपने शुरू किया है, तो अभी आप जैसे कैसे काम कर रहे हो, किस टाइप से आप इनरोलमेंट निकाल रहे हो? क्योंकि अभी आपने 2 दिनों में लगभग 5 से 6 इनरोलमेंट आपने करवाया, कितने करवाए आपने? अभी तो 5 डन हो चुका है। अभी दो अभी मैं भेज अभी जो कट हुआ था तो फिर मैं 2 को भेज चुका हूँ। अब देखता हूँ उसमें से कौन पेमेंट करता है। ओके, मतलब 5 लोगों का आपने करवाया है। तो आप बताओ कि मतलब कुछ टिप्स बताओ कि आप किस स्टेप से मतलब लोगों से बात कर रहे हो इनरोलमेंट के लिए, थोड़ा बताओ, कुछ टिप्स बताओ। मैं अभी जो है ना ज्यादातर कोशिश करता हूँ हॉट जोन में काम करने का, मतलब कि ऐसे पर्सन से मैं बात करता हूँ जो पहले से मुझ पे ट्रस्ट करके रखा हुआ है, मुझे पहले से वो जानता है। ठीक है, तो उन लोगों को मैं पहले बातचीत करता हूँ और देखता हूँ जो ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करता है ना, जो जैसे 1000 फॉलोवर इंस्टाग्राम पे बना लिया है, 1500 बना लिया है, उसको मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा टच करने का, क्योंकि उसको तो पहले से टाइम दे रहा है इंस्टाग्राम में या कहीं पे। तो उनको जब मैं बोलता हूँ ना कि तुम टाइम तो दे रहे हो वहाँ पे, बट उसके बदले में क्या आता है, तो फिर उसको हीट करता है कि हाँ यार मैं टाइम तो दे रहा हूँ लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं आता है। तो फिर उसको मैं बताता हूँ कि इसे कमाने का एक उपाय है, ऑनलाइन तुम वर्क करना पसंद करते हो, तो फिर वो बोलता है कि पसंद करते हैं, तो फिर आपका मैंने वीडियो देखा था कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो आपके यूट्यूब पे, तो उसका उस सब इस्ते उस बात को इस्तेमाल करता हूँ और उसको बोलता हूँ। और पेमेंट करने में अभी तक तो मुझे कोई ऐसा सवाल सब नहीं आया, क्योंकि वीडियो में अगर भेज देता हूँ तो अभी 5 का 5 में सवाल जवाब कोई नहीं किया, बस 198 पे कर दिया लास्ट में। मैं बस उससे ओके पूछता हूँ इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिला, तो उस मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसने पूरा देखा, तो फिर उसमें तो आपको ये समझ भी गए हैं कि 198 पे करना है, तो बोला यहाँ पे करना है, तो मैं बस थोड़ा सा उसको मेंशन कर देता हूँ कि 198 क्यों लिया जा रहा है, उसके बाद वो पेमेंट कर देता है। ओके ग्रेट। मतलब देखो इनका मोस्टली सबसे पहले देखो, अगर हम नए होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने लोगों में ही काम करना होता है। देखो दो तरह की चीजें होती है, दो तरह की लिस्ट बनानी होती है, एक वो जिन्हें हमें प्रोडक्ट बताना होता है और एक ये एक वो जिन्हें हमें बिजनेस बताना होता है। अपने जान पहचान वाले लोगों को दो जगह में डिवाइड करना होता है, किन्हें प्रोडक्ट्स बताना है और किन्हें बिजनेस बताना है। तो इन्होंने सबसे पहले अपने, जैसा कि मैंने इनको समझाया था कि सबसे पहले आपको अपने हॉट मार्केट में काम करना है। देखो हॉट मार्केट एक ऐसा मार्केट है ना, सुपरवाइजर कर सकते हो हॉट मार्केट में। अभी बताओ रिसेंटली, अभी आप लोगों को पता भी होगा, अचीवर्स क्लब में एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर मैनेजर बना है, जिसको हिंदी तक नहीं आती, वो तेलुगु तेलुगु जानता है वो। उसने अपना मतलब क्या बोलते हैं, 2 महीने में मैनेजर कर दिया, 2 महीने में सिर्फ अपने लोगों में काम करके। तो दिस इज द पावर ऑफ हॉट मार्केट, फास्टेस्ट फास्टेस्ट वो मैनेजर बना है अचीवर्स क्लब में, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये हॉट मार्केट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखो तरंग अरोड़ा सर ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था है ना, तो उनके हॉट मार्केट कौन थे? कृष्णा अरोड़ा। अगर आज वो जज कर लेते उस टाइम पे, यार ये अभी छोटा सा ये क्या करेगा, तो क्या आज वो कृष्णा अरोड़ा आज कृष्णा अरोड़ा होता? नहीं होता यार। तो समझो इस चीज को, हॉट मार्केट में काम करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हॉट मार्केट में देखो ट्रस्ट बना हुआ होता है, बस आपके पास अपना खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने कोई काम शुरू किया है। नहीं तो बहुत से लोग कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, और ये धीरे धीरे बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस, एग्री। लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो आप अपने लोगों में बताओ,
उसे बोलो, उसे कसम देना है, कसम दो, दोस्त है उसको बोलो भाई एक बार तू समझ के देख, करवाओ कोई दिक्कत नहीं, गॉट इट? तो उनसे आपको टिप्स मिल गया, चलो बहुत अच्छा टिप्स मिला। हॉट मार्केट में ये कैसे काम कर रहे हैं, इन्होंने बोला कोई सवाल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, हॉट मार्केट है भैया, ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है। या चलो ये अगर अजय कुछ बोलेगा तो गलत तो नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पे कर रहा है, इनरोलमेंट कर रहे हैं, गॉट इट? चलो और टिप्स मिल गया, चलो कुछ टिप्स हम एक और अमेजिंग पर्सनालिटी से लेते हैं, आर्यन। आर्यन आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो अपने आप को कर सकते हो अनम्यूट, तो कुछ टिप्स आपसे ही बनती है यस सर, आ रही है, आ रही है। क्योंकि अभी आप काम नहीं कर रहे हो ड्यू टू पूजा, आप अभी घर पे आए हो, बट आपसे हम कुछ टिप्स लेना चाहेंगे, तो आप मुझे कुछ जबरदस्त दो चार टिप्स बता दो ताकि सारे लोग इनरोलमेंट कर पाए। ओके बताओ। इनरोलमेंट के लिए पहले बात तो आपको इनविटेशन अच्छे से आनी चाहिए, पहली बात तो ये इनरोलमेंट के पॉइंट्स लिख लिए। लेना और सारे दूसरी लोग, बात यह है कि ठीक है अगर आप वीडियो दिखाते हो, ठीक है, तो वीडियो दिखाने के बाद 198 रुपीज लेने के लिए उसको वैल्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ठीक आप है 198 में उसको वैल्यू क्या दे रहे हो। तो मैं जो वैल्यू क्रिएट करता हूँ ना, उसको ये नहीं बताता हूँ कि उसको मिलने क्या वाला है, उसको ये दिखाता हूँ कि जो जो उस जो ट्रेनिंग में बैठने वाला है ना, वो ट्रेनिंग को देने वाले पर्सन कितनों की लाइफ चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं जैसे अनमोल कपूर सर का वीडियो दिखाता हूँ और मैं उनको साफ साफ बोलता हूँ कि अनमोल कपूर सर के बारे में आप तो जानते नहीं होंगे, तो इनके बारे में थोड़ी सी चीज बता दूं आपको कि अनमोल कपूर सर अभी हमारे सिस्टम के सोरिंग मैनेजर है। ठीक है, लगातार 4 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और 6 से 7 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। 6 से 7 लाख रुपए तो अलग की बात है, लेकिन हजारों लोगों को सिखा चुके हैं कि महीने का 15 से 20 हजार, और 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख भी कमा रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देर काम करना चाहते हो, पार्ट टाइम की फुल टाइम। ठीक है, अब एक छोटा सा आपसे सवाल है कि एक बात बताओ कि जो पर्सन खुद महीने का 6 से 7 लाख रुपए कमाता है, क्या वो आपको महीने का 15 से 20 हजार रुपये कमाना नहीं सिखा सकता है? तो वो बताता है बंदा कि नहीं सर, बिल्कुल सही है, सिखा तो सकते हैं। तो अब ये काम कैसे होने वाली है, वो कैसे आपको सिखाएंगे? तो एक छोटा सा स्टेप है जिसको आपको पूरा करके आगे प्रोसीड करना है। आपने वीडियो के लास्ट में देखा होगा सर ने कुछ चार्जेस के बारे में बात की होगी, तो बोलता है हाँ सर देखा तो था, क्या चार्जेस बताए सर ने? तो बोलता है सर 5,000 रुपीज था पहले, अब 198 रुपीज। तो 5,000 रुपीज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5,000 पे करके सर की ट्रेनिंग ली है और आज महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन सर के थ्रू ये चार्जेस को घटाकर इतना मिनिमम कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो है कनेक्ट कर सके और सीख सके कि वो घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। अब बात रही कि चार्ज पे कितना करना है, पे सिर्फ और सिर्फ 198 रुपीज करनी है। अब एक छोटा सा बात बताओ, 198 रुपीज पे करने के बाद ये तो पक्की गारंटी है कि आप महीने का 15 से 20 हजार रुपये कमा लोगे। ठीक है, कमाना सीख जाओगे। लेकिन एक छोटा सा बात बताओ, अगर आप पे नहीं करते हो तो वो 198 रुपीज आप अपने पास कितने दिनों तक रख पाओगे, कितने दिनों तक खा पाओगे उससे, या फिर कितने दिनों तक उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है इन्वेस्ट कर पाओगे, कितना रुपए कमा पाओगे उससे? तो बोलता है सर कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा, 198 होता ही क्या। तो मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ कि आज के समय में देखो आप, अगर आप मोबाइल भी रिचार्ज करो ना तो 300 रुपये लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 198। अब करना आपको है कि ये 198 का स्टेप पूरा करके आप आगे ट्रेनिंग में आते हो या फिर यहीं से पीछे चले जाते हो, क्योंकि हमें तो सीरियस पर्सन की नीड है और मेरे पास अभी भी आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो करने के लिए रेडी हैं, और मेरे को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लोगों की और जरूरत है। तो अगर आप करना चाहते हो, नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे 198 पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपका सीट बुक कर देता हूँ। अदरवाइज रिप्लाई जरूर कर देना कि करना है कि नहीं करना, मैं ये सीट किसी ऐसे पर्सन को दूंगा जो सही महीने में नीडी हो। तो लगभग 90% लोग कर लेते हैं, 10% टाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर भी अगर नहीं करते हैं तो मैं किसी का स्क्रीनशॉट उठा के डाल देता हूँ, वन एनरोलमेंट डन। ब्रदर आप करना चाहते हो तो जल्दी से करो वरना टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ये ऑफर निकल जाएगा हाथ से। तो इस तरीके से कर लेता हूँ। ये तरीका सबसे बढ़िया लगता है, पता है ये तरीका से ना मैंने एक एक दिन में 7-8 इनरोलमेंट भी करवाया है, एक एक दिन में इस तरीके से, ये बहुत काम करता है कि आप स्क्रीनशॉट भेजो सामने वाले को। दिमाग लगाना है कि आपको, देखो सामने वाले को ना कुछ आम इमली पता नहीं है, अभी
आप उसको जैसे चलाओगे वैसे चलेगा, चलाने आना चाहिए बस, ठीक है ना। चलो सो थैंक यू, आप लोगों से बहुत अच्छा टिप्स मिला है, आप सारे लोग फॉलो करो, ठीक है, सारे लोग इनरोलमेंट निकालो। इनरोलमेंट निकालने का एक ही फंडा है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अच्छे से बोलना नहीं आता है, 50 कॉल करोगे डेली, एक दिन में तो नहीं बोल सकते कि एक दिन अगर आप 50 कॉल करोगे तो इनरोलमेंट निकल जाएगी, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल भी है पॉसिबल नहीं भी है, लेकिन अगर आप डेली 30 डेज करोगे तो आई एम 100% श्योर, दूसरे महीने से ना आप इतना इनरोलमेंट निकालोगे, इतना अच्छा बिजनेस जाएगा कि कह ही नहीं सकता। 1 महीने टफ होगा आपके लिए, लेकिन उसके बाद, समझ रहे हो मेरी बात, खल्लास, मतलब बढ़िया काम होगा, सुपरवाइजर भी जल्दी करोगे, सारा लेवल जल्दी होगा, बट जिद पाल लो कि करना है मतलब करना है, क्योंकि देखो अब टाइम नहीं है, 2024 आने वाला है, 2024 में सारे लोग ठान लो कि साला करना है मतलब करना है, कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा, मैनेजर करने के अलावा कोई गोल होना ही नहीं चाहिए साला, कोई नहीं, ओनली मैनेजर, एक गोल, एक गोल आपको पता ये अचीव हो गया ना तो कितने सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे, यू नो राइट। तो फोकस अपने लेवल अप पे करो, मेहनत करने से पीछे मत हटो, मेहनत से पीछे हट जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो बाकी मीटिंग को हम यहीं पे करते हैं एंड, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ओके, चलो बाय बाय।